नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही खास दवा के बारे में बात करने वाला हूं और वो दवा खास तौर से पुरुषों के लिए यूज़ की जाती है। पुरुषों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस दवा की, खास तौर से उस उम्र के बाद, लगभग 35-40 वर्ष की उम्र से तो लगभग 80-85% पुरुषों को इस दवा की ज़रूरत पड़ती ही है और उनको उसकी डिफरेंट टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं ये दवा उनमें हेल्प करती है उनको ख़त्म करने में और उनकी परेशानियों को, उन मरीजों की परेशानियों को दूर करने में। और उस दवा का नाम है दोस्तों सेलेनियम मेटालिकम। ये देख लीजिए आप, ये 200 पोटेंसी में सेलेनियम मेटालिकम है मेरे पास, आप देख सकते हैं ये है सेलेनियम मेटालिकम 200 पोटेंसी में। और इस दवा का हमें किस तरह यूज़ करना है, किस प्रकार से यूज़ करना है, किन सिम्टम्स में यूज़ करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक जनरल ओवरव्यू के बारे में कि सेलेनियम मेटालिकम का यूज़ खास तौर से कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों मेल जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स के लिए सेलेनियम मेटालिकम का यूज़ किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है सेलेनियम, आदमियों के केसेस में जहाँ पर उनको सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पर उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, इस तरह की समस्याओं के लिए सेलेनियम का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। यदि हम इसके माइंड की बात करते हैं तो मेंटल सिम्टम्स में हम देखते हैं कि ये जो पेशेंट होता है उसमें सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, उसमें लेसिवियस थॉट्स उसको आते रहते हैं, पूरे टाइम उसके दिमाग में सेक्स से रिलेटेड विचार चलते रहते हैं। जहाँ कहीं भी वो किसी स्त्री को देखता है, लड़की को देखता है, औरत को देखता है, उसके दिमाग में ये विचार आने लगते हैं। थोड़े से ही सोचने से उसका जो सेमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, उसका जो है पेनिस से चिपचिपा पदार्थ जिसको निकलना बोलते हैं, धात कटना जिसको बोलते हैं ले लैंग्वेज में, ऐसा उसको होने लगता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति में किसी लंबी बीमारी के बाद जो वीकनेस आ गई है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। ये जो पेशेंट होते हैं खास तौर से 40-45 वर्ष की उम्र से ऊपर के लोगों में इस मेडिसिन की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनमें सेक्सुअल वीकनेस आने लगती है प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एक्सेस के कारण। इसके साथ ही प्रोस्टेटाइटिस की ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिन लोगों के सिम्टम प्रोस्टेट के सेलेनियम से मैच करते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है, सेक्सुअल एटोनी के लिए ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके हेड के बारे में। तो इसके जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं पेशेंट के, उसे धूप में जाने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्ट्रॉन्ग ऑडर्स से उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तीखी गंध वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है, लेफ्ट आई के ऊपर यानी कि यहां पर उसको पेन होने लगता है, स्काल्प पे उसको टेंस फीलिंग होती है और चाय पीने से उसे सिर में दर्द होने लगता है। ये एक बहुत खास सिम्टम होता है सेलेनियम मेटालिकम का। इसके बाद हम बात करते हैं इसके थ्रॉट के बारे में। तो थ्रॉट में हम देखते हैं कि इसको इंसिपिएंट ट्यूबरकुलर लैरिंजाइटिस की शिकायत होती है, बहुत ही ज्यादा इसको गले से खराश निकलती है, खराशना पड़ता है, हॉकिंग करना पड़ती है इस तरह से कर करके उसको निकालना पड़ता है, म्यूकस निकलता है, स्टार्ची म्यूकस रहता है, वाइट कलर का म्यूकस होता है। ये सिंगर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा सिंगिंग करते हैं और सिंगिंग के कारण उनके गले में हॉर्सनेस आ जाती है, उस कंडीशन में सेलेनियम मेटालिकम उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके स्टमक के बारे में। तो हम देखते हैं कि स्टमक में इसको जो है स्वीटेस्ट टेस्ट इसके मुंह में बना रहता है, इसको ब्रांडी एल्कोहल इस तरह की चीज़ों को लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। इसके अलावा स्मोकिंग से इसको प्रॉब्लम होती है, हिक्कफ्स आने लगते हैं, हिचकियाँ आने लगती हैं, इरेक्टेशंस आने लगते हैं स्मोकिंग के बाद, और इसके अलावा खाना खाने के बाद इसको पल्सेशन की प्रॉब्लम होती है, पूरी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे दिल धड़क रहा है। इसका ये बहुत एक खास सिम्टम होता है सेलेनियम मेटालिकम का, और ये कारण है मतलब ये जिस कारण से होता है वो कारण है कि इसके शरीर में सेक्सुअल एक्सेस के कारण वीकनेस आने लगती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एब्डोमेन के बारे में। तो हम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो पेशेंट होता है ये अल्कोहल, ब्रांडी, बियर इस तरह की चीज़ें के लिए बहुत ज़्यादा ये क्रैव होता है, क्रैविंग करता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खाने की इच्छा होती है, पीने की इच्छा होती है। तो इसके कारण इसका जो लिवर होता है वो सिरोसिस में पहुंच जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, लिवर के एरिया में इसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इसके साथ साथ ही इसका जो स्टूल होता है वो इसको एकदम हार्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन इसको हो जाता है, रेक्टम में स्टूल इसका इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। तो यूरिनरी सिम्टम्स में हम ये देखते हैं कि इसको ड्रिबलिंग की शिकायत होती है, इन वॉल्यूंटरी ड्रिबलिंग होने लगती है, यानी कि बूंद 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 करके अपने आप यूरिन इसकी निकलती रहती है। और यदि हम इसके मेल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसको प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी निकलने लगता है,
लेटरिन करते समय, बाथरूम करते समय अपने आप धीरे धीरे वहाँ से सेमाइनल फ्लूड निकलने लगता है, और जिसे हिंदी में धात कटना या चिपचिपा पदार्थ निकलना बोलते हैं, ये कारण होता है इसके सेक्सुअल एक्सेस के कारण है। यानी कि इसके जो सिम्टम ये वाला आता है वो सेक्सुअल एक्सेस के कारण आता है। कम उम्र में ही जो बच्चे होते हैं वो मैस्टर्बेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, 13-14 साल की टीनेज की उम्र से मैस्टर्बेशन स्टार्ट कर देते हैं, समय के पहले वो लोग बूढ़े लगने लगते हैं, मतलब एक 25 साल का युवा भी 40 साल के व्यक्ति की तरह दिखने लगता है। हालांकि ये लाइकोपोडियम में भी सिम्टम पाया जाता है, लेकिन सेलेनियम का भी एक बहुत खास सिम्टम है। इसका जो वीर्य होता है यानी कि सीमेन जो होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है, थिन सीमेन हो जाता है। बहुत सारे लोग मुझसे मेडिसिन पूछते हैं थिन सीमेन की, तो ये सेलेनियम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है थिन सीमेन को गाढ़ा करने के लिए। इसके अलावा सेक्स के बाद इनमें इरिटेबिलिटी आने लगती है, क्योंकि पेन इनको थोड़ा बहुत वहां पर होने लगता है। इसके साथ साथ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मेंटल सिम्टम्स में बताया था कि ये जो पेशेंट होता है इसको लेसिवियस थॉट्स आते रहते हैं, इसकी जो फैंसीज होती हैं वो एकदम सेक्सुअल फैंसीज होती हैं, सपने देखता है तो सेक्स से रिलेटेड सपने देखता है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं इसके मेल जेनिटेलिया के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्किन के बारे में। तो स्किन जो होती है इसकी ड्राई हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, पाम में इचिंग होने लगती है, फिंगर जॉइंट्स में इचिंग होने लगती है, ये हाथ के इन हिस्सों में बहुत ज्यादा इचिंग उसको होने लगती है, इस तरह की ये सिम्टम्स इसको होते हैं। वेसिकुलर इरप्शंस इसको आने लगते हैं, ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो स्किन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, आईब्रोज से बाल झड़ने लगते हैं, प्यूबिक जो हेयर्स होते हैं वो भी झड़ने लगते हैं, यानी कि टेस्टिस के आसपास के जो बाल होते हैं वो भी झड़ने लगते हैं। ये बहुत एक खास सिम्टम सेलेनियम में देखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एक्सट्रीमिटीज के बारे में। तो इसको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल एक्सेस के कारण इसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर का एक छोटा सा हिस्सा होता है जहाँ इसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखते रहते हैं, सुबह इससे सोकर उठते नहीं बनता है, हाथ पैरों में बड़ी बहुत ही ज़्यादा जकड़न टाइप की इसको फीलिंग होती है। यदि हम नींद की बात करते हैं तो ये लगभग आधी रात तक जगता रहता है, उसके बाद इसको नींद लगने की शुरुआत होती है, लेकिन पल्सेशन के कारण, इसके शरीर में जो पल्सेशन होता है उसके कारण इसको नींद सही से इसकी पूरी नहीं हो पाती है, नींद सही से लग नहीं पाती है। लेकिन इसकी एक खास बात ये होती है कि ये हमेशा हर दिन सुबह एक निश्चित समय पर उठ जाता है। जैसे अगर 6 बजे उठने की इसकी आदत है तो भले ही ये रात को 1-2 बजे तक भी जगता रहे, लेकिन सुबह 6 बजे इसकी जो नींद है वो बड़ी आसानी से खुल जाती है। तो दोस्तों यही सारे जो जनरल सिम्टम्स हैं ये सेलेनियम के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये मेल जेनिटेलिया के लिए और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा वीर्य पतला है उसको हम किस तरह से गाढ़ा कर सकते हैं, तो सेलेनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है यदि ये आपके सिम्टम से मैच करती है। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज़ की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुँह में किसी भी चीज़ का स्वाद या किसी भी चीज़ की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुँह में ना हो, यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो
प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नज़दीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।